खान की एक तो बर्थडे है, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि मेरे भतीजे के भी आज 5 अक्टूबर में बर्थडे है। ये मेरी खान से मोहब्बत है। खान सच्चा लीडर है और पाकिस्तान का वाहिद लीडर है कैद आजम के बाद जो हमें इमरान खान की शक्ल में मिला है। ये मेरा छोटा भतीजा है माशाल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन भी हमने इमरान खान का केक काटा था, आज भी इंशाल्लाह काटा है। मेरा बेटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर की तरह, उसका भी जन्मदिन आ जाए, मेरे लीडर का भी आज ही है जन्मदिन, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो अल्लाह पाक ने ये वाली खुशी जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे खुशियों में से एक खुशी है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। आज एक मुनफरद कप्तान के सपाही से आपको मिलवाते हैं बुरहान गुराया। ये नन्हे कप्तान के जो टाइगर हैं आप देख रहे होंगे, उसकी आज पहली सालगिरह थी। चौधरी नुमान गुराया के ये भतीजे हैं और सदाम गुराया के बेटे, उनकी पहली बरसी थी। और इसके साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज 71वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। इस वक्त हम गुराया हाउस मौजूद हैं। ये कप्तान का मुनफरद जो है वो चाहने वाला नुमान गुराया मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, पूरे जनूबी पंजाब में वाहिद आप बंदे हैं, हर जगह पे तो इमरान खान की मोहब्बत में लोग सालगिरह मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं, आपने बड़ा सेलिब्रेट किया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए। और दूसरा जो खान की एक तो बर्थडे है, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि मेरे भतीजे के भी आज 5 अक्टूबर में बर्थडे है। तो मैंने अपने लीडर की भी बर्थडे सेलिब्रेट की है, उसके साथ साथ अपने भतीजे की है। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपने भतीजे को चौधरी बुरहान गुराया को इमरान खान की टिकट पर, मेरी ज़िंदगी रही तो मैं MPA का इलेक्शन लड़ाऊँगा इंशाल्लाह। ये मेरा पूरे जनूबी पंजाब से वादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लैया से वादा है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट लैया में मुझे आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि किसी भी लीडरान ने और किसी भी ऐसे अहदेदारान ने इमरान खान की बर्थडे के लिए कोई भी केक नहीं काटा, कोई सेलिब्रेट नहीं की। डिस्ट्रिक्ट लैया में अपने खान की जो तस्वीर उठा के रखी है, इंशाल्लाह बड़ी मुनफरद मोहब्बत है। अभी तो कप्तान गिरफ्तार है, उसके बावजूद आप जो है वो जहां कहीं भी हैं तो कप्तान की तस्वीर आपके बगल में होती है, क्यों? ये मेरी खान से मोहब्बत है। खान सच्चा लीडर है और पाकिस्तान का वाहिद लीडर है कैद आजम के बाद जो हमें इमरान खान की शक्ल में मिला है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं इन खान के साथ। खान के सपाही हैं, छोटे से डिस्ट्रिक्ट लैया में किसी को साइड पे आपके पास इमरान खान की तस्वीर है, दूसरी जानब PTI के जो MNA थे अब्दुल मजीद खान नियाजी की तस्वीर है। दोनों से इतनी मोहब्बत है, दोनों नियाजी हैं क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल, मजीद खान से मेरी मोहब्बत का जीता जागता सबूत ये पिक्चर है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को शुरू से सपोर्ट किया और इस हालात में सपोर्ट किया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लिए के सियासतदान इमरान खान को छोड़ रहे थे और मेरा लीडर इमरान खान का सपाही मजीद खान नियाजी में अपने लीडर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं भी इंशाल्लाह मजीद खान की तरह उनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ अपने इमरान खान लीडर की मोहब्बत में इंशाल्लाह। जो है वो कारकुनान ने जी रही, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान से मोहब्बत लोगों की बढ़ती से बढ़ती जा रही है, मकबूलियत इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस वक्त जेल में है लेकिन सालगिरह लोग मना रहे हैं। बेशक अनवर भाई आप ठीक कह रहे हैं कि जो इमरान खान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले उनकी पॉपुलरिटी गवर्नमेंट में 50-60% पे थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको गवर्नमेंट से निकाले 16-17 में आ गए हैं। अभी तक खान की पॉपुलरिटी 80% पे खड़ी है और मुझे यकीन है कि मेरा लीडर इमरान खान जेल से बाहर आएगा। इस मुल्क की बाग दौड़, इस मुल्क को लीड मेरा लीडर इमरान खान करेगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि हम जो PTE वाले हैं ना, हमने अब अल्लाह पे फैसला छोड़ दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक और सच करने वाला है। और इंशाल्लाह जल्द मेरा लीडर इमरान खान पब्लिक में होगा, वो एक पब्लिक का लीडर है, वो एक पब्लिक का पब्लिक को रिस्पेंड करता है। तो इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लैया में वोटर सपोर्टर मेरे चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले जितने भी खान के साथ खड़े हैं, मैं उनको सबको सलाम पेश करता हूं।
और ये मेरा छोटा भतीजा है माशाल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन भी हमने इमरान खान का केक काटा था, आज भी इंशाल्लाह काटा है। इसी तरह इमरान खान की बर्थडे भी मनाते रहेंगे, उसको वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, माली तौर पे भी हर लिहाज से इंशाल्लाह करते रहेंगे। तीन सदर पीटीआई चौधरी नुमान गुराए के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करें, क्या कहेंगे? आज आपके बेटे की भी बर्थडे थी और आपके कप्तान की भी बर्थडे है। जी अनवर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। बाकी जो है मेरा बेटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर की तरह, उसका भी जन्मदिन आ जाए, मेरे लीडर का भी आज ही है जन्मदिन, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो अल्लाह पाक ने ये वाली खुशी जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे खुशियों में से एक खुशी है मेरे लिए। तो एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ मेरा माशाल्लाह लीडर है, तो इससे आगे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि मेरा लीडर जो है ना बेटा भी है। इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं और रहेंगे। नाज़रीन, ये हैं कप्तान के सिपाही नुमान गुराया, जिन्होंने आज लैया में बड़े मुनफरद अंदाज में, एक तो इनके भतीजे की सालगिरह थी, पहली सालगिरह, और दूसरी जानेब इन्होंने चेयरमैन इमरान खान के नाम पर केक काटा, उनकी सलामती के लिए दुआएं की गई, और बाकायदा तौर पर इनका ये कहना है कि चेयरमैन इमरान खान के लिए आज जो है वो ये दोनों खुशियां दुबाला हो गई कि एक तरफ लीडर की जो है वो सालगिरह थी, दूसरी जानेब इनके भतीजे की। तो इनका ये कहना है कि पीटीआई को सपोर्ट करते रहेंगे और चेयरमैन इमरान खान के लिए दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द वो आवाम के दरमियान होंगे और मुल्क पाकिस्तान की तकदीर जो है वो ज़रूर बदलेंगे।